Hello everyone, myself Ranjit Kumar and I am your mathematics or physics teacher, faculty of NDOC online classes. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शन के बारे में और फिर उसके ग्राफ के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है. और आज हम उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये NDOC online classes एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसके लगभग सभी फैकल्टी मेम्बर टीचर्स या तो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या फिर आपके मेन मास्टर्स हैं, ठीक है. और सिक्स से लेकर के ट्वेल्थ तक इंस्टीट्यूट चल रही है. नीट जेई का प्रिपरेशन होता है इसमें, ठीक है. और सबसे अच्छी बात है कि जो टीचर नीट जेई का प्रिपरेशन कराते हैं वो सिक्स से लेकर के टेंथ तक के बच्चों को भी गाइड करते हैं, ठीक है. तो एक मतलब प्रॉपर गाइडेंस आपके बच्चों को मिलेगा, ठीक है. तो अगर आपके आप या आपके बच्चे सिक्स से लेके टेंथ तक के हैं तो फटाफट एडमिशन ले लीजिए, क्लासेस शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है. मैं आपके सामने एक फी स्ट्रक्चर में बता दूं आपको. इलेवेंथ नीट और जेई की फ़ी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 45,000 इलेवेंथ के लिए है और 55,000 ट्वेल्थ के लिए है, ठीक है. मतलब बोर्ड विथ प्रिपरेशन, ओके. एंड आप इसको अगर एक बार पे करते हो तो सिर्फ 30,000 ही देना पड़ेगा इलेवेंथ के लिए और ट्वेल्थ में सिर्फ 40,000, ठीक है. इंस्टॉलमेंट्स भी हैं, टू टाइम्स और सिक्स टाइम्स करके भी दे सकते हैं, पर हम रिकमेंड करेंगे कि आप, ठीक है, वन टाइम पेमेंट करें, ठीक है. और ये आप देख पा रहे हो, ये टेंथ तक की फ़ी है, सिक्स से लेकर के टेंथ तक की. 10,000 से शुरू है, 16,000 तक है ना. पर अगर आप वन टाइम पे करते हो तो फिर आपको काफ़ी पैसे बचेंगे आपके, ठीक है. जैसे सिक्स की में अगर वन टाइम पे करते हैं तो 7,000 है, टू सेवेंथ में 8,000 है, एट में 9,000 है, नाइन्थ में 10,000 है और टेंथ में आपका 12,000 है, ओके. अगर आप टू टाइम्स या फोर टाइम्स पे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सारे इंस्टॉलमेंट मंथली है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है. और वन ईयर प्रोग्राम भी है हमारे पास जिसकी फी 80,000 है, लेकिन अगर आप वन टाइम पे करते हो तो सिर्फ 55,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है. या फिर आप 11,000 के सिक्स इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं. चलिए, अच्छी बात है, ये तो इंस्टीट्यूट के बारे में हो गई. फिलहाल अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे क्या होता है फंक्शन और उसके ग्राफ. देखिए, यहाँ पर फंक्शन पे हमने चर्चा किया था कि फंक्शन क्या है. तो फंक्शन एक रूल है जो एक सेट के सभी मेंबर्स को दूसरे सेट के किसी यूनिक मेंबर से जोड़ता है. फंक्शन को हमने समझा था कि एक मशीन है जिसमें आप इनपुट्स डालते हो और आपको हर एक दिए गए इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट मिलता है, ठीक है. क्या होता था वहाँ पर, एक सेट होता था जिसके एलिमेंट्स हमारे इनपुट होते थे, उस इनपुट को हम एक्स से नोट करते थे. और एक रूल होता था जो इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक आउटपुट देता था जिसको हम लोग वाई लिखते थे, और ये भी किसी सेट में बिलोंग करता था, ठीक है. तो रूल होता था, उस रूल को हम लोग लिखते थे एफ, ठीक है. मान लो इस सेट को हमने ए दिया, इस सेट का नाम बी दिया और उस रूल का नाम हम एफ लिखते थे. अच्छा, एक्स इनपुट है, वाई क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, और y को हम लोग लिखते थे एफ एक्स, ठीक है. एफ एक्स लिखने के पीछे मकसद होता था कि ये x का f इमेज है, ठीक है. अच्छा, फंक्शन में हमने बताया था कि ये हर एक दिए गए इनपुट के लिए कोई ना कोई एक यूनिक आउटपुट देता है, मतलब हर एक दिए गए इनपुट के लिए आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई इनपुट डाला और आउटपुट नहीं मिला, ठीक है. दूसरी बात हमने कहा था कि ये क्या करेगा कि इसका जो आउटपुट होगा ना वो यूनिक होगा, मतलब एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग दो दो आउटपुट आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है. आप फंक्शन को इस तरह से बोल सकते हो, आप बहुत जगह आप लिखा भी पाओगे ऐसा, कि अगर दो क्वांटिटी एक्स और वाई है, ठीक है, और इस तरह से हैं कि एक्स के हर एक दिए गए वैल्यू के लिए वाई की एक यूनिक वैल्यू हमें मिलती है, तो हम लोग कहते हैं कि वाई एक्स का एक फंक्शन है, ठीक है. ऐसे स्टेटमेंट भी मिलेंगे आपको कि y x का एक क्या है,
फंक्शन है, इसको हम सीधे ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर है? चलिए अच्छी बात। अब इसको जरा रियल एग्जांपल से आप जोड़िए, जैसे कि स्पीड टाइम को लीजिए, है ना। आपको मैं कहूँ कि एक टेबल बनाइए, मतलब एक सेट रखिए यहाँ पर जिसमें टाइम को लिखिए, है ना। कोई कार चल रही है और मैंने आपको काम दिया कि आपको लिखना है, रिपोर्ट करना है कि किस टाइम में कार की क्या स्पीड थी, ठीक है। तो आपने एक चार्ट बनाया, एक सेट में आपने बस टाइम की वैल्यू पुट की, ठीक है, और दूसरे सेट में आप बता रहे हो कि किस टाइम में क्या स्पीड है, ठीक है, किस टाइम में क्या स्पीड है, ठीक है। स्पीड को आप भी से लिख दीजिए कि हाँ भैया इस टाइम में ये स्पीड, इस टाइम में ये स्पीड, इस टाइम में ये स्पीड। अब जरा सोचिए कि क्या कभी ऐसा होगा कि किसी टाइम में हमको स्पीड मिले ही ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कार चल रही है तो कोई ना कोई स्पीड तो होगी, तो हर टाइम के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्पीड है। अगर नहीं चल रही है तो जीरो है, लेकिन चल रही है तो कुछ ना कुछ होगी। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि हाँ इस टाइम में तो कोई स्पीड मिले ही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हर एक दिए गए टाइम में कोई ना कोई स्पीड तो कार की होगी ही। अच्छा, दूसरी बात, किसी टाइम के किसी एक वैल्यू के लिए आपको दो दो स्पीड तो नहीं मिलेगा ना, कि देखो इस टाइम में ये भी स्पीड था, ये भी स्पीड था, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। कार की कोई एक ही स्पीड रही होगी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अगर हम देखें, हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक टाइम है और एक स्पीड है, और टाइम के हर एक दिए गए वैल्यू के लिए हमारे पास स्पीड की एक यूनिक वैल्यू है। बिल्कुल फंक्शन के डिफिनेशन से मैच कर रहा है कि नहीं। मतलब दो क्वांटिटी होगी, जैसे वहां दो क्वांटिटी वाई और एक्स, है ना, और आप कह रहे थे कि एक्स के हर एक दिए गए वैल्यू के लिए वाई की एक यूनिक वैल्यू है हमारे पास। सेम यहां पर हो रहा है, एक टाइम है, एक स्पीड है, और टाइम के हर एक दिए गए वैल्यू के लिए आपके पास स्पीड की एक यूनिक वैल्यू है, है ना। तो आप बोल सकते हो ना, जैसे वहां बोलते थे कि वाई एक्स का फंक्शन है, तो यहां क्या बोलोगे, स्पीड टाइम का फंक्शन है। समझ में आया ना। अच्छा, वाई एक्स का फंक्शन है, तो यहां जो एक्स जो इनपुट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलिए इसको। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। एक्स तो आपकी चॉइस है, पर जो एक्स चूज करोगे उसके हिसाब से आपको वाई मिलने वाला है, राइट। तो वाई एक्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, इसीलिए एक्स को बोला गया इंडिपेंडेंट, वाई को बोला गया डिपेंडेंट। तो यहां अगर हम देखें स्पीड टाइम में, तो आप बोल सकते हो कि स्पीड टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट है और स्पीड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, राइट। और आप यहां बोल सकते हो कि स्पीड टाइम का फंक्शन है। अब हम फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। फंक्शन की डिफिनेशन क्लियर है, तो फंक्शन वर्ड जब हम बोलेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा क्यों कहा जा रहा है कि स्पीड टाइम का फंक्शन है। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। अब हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ समझे थे, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका होता है। और बेसिकली ये होता क्या है, पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है, जो बताता है कि किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट। तो आपके पास भी अच्छे खासे पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर मान लो आप एक क्वांटिटी स्पीड चुनते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर वाई को हटा दो, उसके जगह आप स्पीड लिख दो, और जो एक्स है उसको हटा दो, उसके जगह टाइम लिख दो, ठीक है। जनरली हम लोग जब हम पॉइंट्स दिखाते हैं, एक्सेस ड्रॉ करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को वर्टिकल एक्सेस पे रखते हैं। ये एक आम परंपरा है, ठीक है, तो हम उसी परंपरा को हम यहाँ निभा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए स्पीड टाइम के बीच, तो स्पीड टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब जस्ट पॉइंट इकट्ठा करना कि हाँ इस टाइम में ये स्पीड, इस टाइम में ये स्पीड, तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे ना कि T1 टाइम में V1 स्पीड है तो T1 V1 पॉइंट हो गया, ठीक है, T2 टाइम में V2 स्पीड है तो T2 V2 पॉइंट हो गया। तो बस उन पॉइंट को इकट्ठा कीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। जो पॉइंट का कलेक्शन बनेगा वो ग्राफ है, ठीक है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी हो सकती है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ग्राफ हो गया किसका, स्पीड टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम का, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है, पॉइंट का कलेक्शन है ये। चलिए अच्छी बात। अच्छा, फिर वही बात, फंक्शन में आपने देखा ना कि ग्राफ इस टाइप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है,
क्योंकि अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ लाइन खींचोगे तो ग्राफ, ये लाइन क्या कर रहा है, ग्राफ को तीन पॉइंट पे काट रहा है, जो बता रहा है कि हमको सेम एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग तीन तीन आउटपुट मिल रहे हैं, तीन तीन पॉइंट हो गए ना, मानो एक्स इक्वल टू अल्फा है तो इसके सामने एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, मतलब तीन तीन पॉइंट होने का मतलब तीन तीन आउटपुट हो गए, समझ रहे कि मान लो इस पॉइंट, ये सपोज ए बी सी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फ़ा ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अल्फ़ा बी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अल्फ़ा सी। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि एक अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास तीन तीन आउटपुट हो रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी। फंक्शन तो ऐसा नहीं करता ना, फंक्शन तो यूनिक आउटपुट देता है। सेम बात आप स्पीड टाइम के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, यही लॉजिक आप स्पीड टाइम में भी लगा सकते हो कि एक टाइम में तो भैया एक ही स्पीड होगी ना, एक टाइम में तो एक ही स्पीड होगी, तो इसका भी ग्राफ जो है वो इस टाइप का नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लो मैं चेंज कर देता हूँ इसे, एक मिनट में आपने वाई को, मैं वाई के जगह पर मैं लिख देता हूँ स्पीड, ठीक है, और एक्स के जगह लिख देता हूँ मैं टाइम, है ना। और अब आप यहाँ पर एक लाइन खींचिए जो स्पीड एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। अभी क्या बता रहा है कि जब टाइम कुछ था, जैसे मान लो ये मैं यहाँ की रीडिंग मान लो टी वन रही होगी, कि जब टाइम टी वन था उस समय हमारे पास देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट, ये स्पीड है तो इस पर तो स्पीड की रीडिंग होगी ना, इसके सामने अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए ये वी वन है, ये आपका वी टू है, और ये आपका वी थ्री है, क्लियर है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, टी वन समय में देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ T1 V1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ T2 V2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ T3 V3, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान भटक गया, असल में T1 V2 एंड T1 V3 होगा, ठीक है। टाइम की रीडिंग तो एक ही होगी ना, टाइम अलग अलग कैसे हो जाएगा। तो टाइम आपका T1 ही है, पर स्पीड आप तीन तीन दिखा रहे हो कि T1 समय में स्पीड V1 भी था, T1 समय में स्पीड V2 भी था, T1 समय में स्पीड V3 भी था, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो सकता है, ठीक है। फंक्शन ग्राफ ऐसा होता ही नहीं है, स्पीड इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, सो उसका भी ग्राफ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। तो असल में मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ही फिजिक्स की बात होती है, ठीक है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि आपका फोकस फिजिक्स पे होगा, फिर मैथ पे नहीं होगा, क्योंकि मैथ तो आपको समझ में आता ही है, पता है ना कि जैसे अगर हमको भाषा आती है तो वो क्या बोल रहा है, मेरा फोकस उस पर होगा, भाषा पर नहीं, हम भाषा नहीं सीखने लगेंगे किसका मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, इस वर्ड को हिंदी में संस्कृत में क्या, ट्रांसलेशन नहीं करना है, बस समझना है कि अच्छा वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ठीक है, वो क्या समझाना चाह रहा है, वो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अच्छी बात, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हमने ग्राफ के बारे में बताया था आपको, कुछ ग्राफ हम ड्रॉ भी किए थे, आपको याद होगा, जैसे कि शायद y इक्वल टू 2x+1 या ऐसा कुछ मैंने इक्वेशन लिया था और उसके ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो वो कैसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन पर आ रहे थे। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है लीनियर फंक्शन, ठीक है। अगर हम दो वेरिएबल में बात करें लीनियर फंक्शन की, तो उसका जनरल फॉर्म इस टाइप का होता है y इक्वल टू ax+b। लीनियर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, सबकी पावर जो है ना वो 1 है, डिग्री 1 है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम लीनियर दिया गया। और ग्राफ तो आप देख ही रहे हो, एक सीध में आता है अगर हम पॉइंट इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसी में एग्जाम्पल लीजिए, अच्छा देखो y इक्वल टू ax+b, मतलब मैं इसका जनरल फॉर्म बोल रहा हूँ कि जनरली इसी टाइप का होगा, ठीक है। a क्या है और b क्या है, ए बी कॉन्स्टेंट है, जैसे कि y इक्वल टू 2x+1, तो आप देख सकते हो मैचिंग करोगे तो a के जगह आपको क्या मिलेगा 2 और b के जगह आपको क्या मिलने वाला है 1, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ a जो है ना वो 0 नहीं होगा, मतलब b 0 हो सकता है, ठीक है, a 0 नहीं होगा, मैं अगर ये कह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि b 0 हो सकता है, क्योंकि मैंने b के बारे में तो बात की नहीं है ना, तो b 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, 0 इंटू एक्स तो खत्म, वो x वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर फंक्शन रहेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो a 0 नहीं होना चाहिए,
भी जीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो फाइव एक्स वाई इक्वल टू फाइव एक्स में क्या ए फाइव है, ए आपका फाइव है यहाँ पे और बी आपका क्या है जीरो है। तो इस फंक्शन के लिए आपका ए फाइव है बी जीरो है, तो बी जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब जो फंक्शन है ना ये लीनियर फंक्शन कहलाते हैं और इनका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ समझते हो ना, पॉइंट का कलेक्शन, इनपुट डालते जाओ आउटपुट मिलते जाएंगे, उसके हिसाब से पॉइंट मिलेगा, सारे पॉइंट को दिखाओ वो कलेक्शन ही ग्राफ है। तो जैसे आप मान लो y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन का ही अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कुछ पॉइंट्स रख के देखो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे पॉइंट मिल रहे हैं। जैसे आप x की जगह जीरो रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप जस्ट y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन को ही कंसिडर कर लो, तो x की वैल्यू अगर आप जीरो रखोगे तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, वन। तो आपके पास एक पॉइंट हो जाएगा अच्छा खासा जीरो वन, ठीक है। आप x की जगह अगर वन डालते हो तो आपके पास y आ जाएगा थ्री, टू इंटू वन प्लस वन थ्री आ रहा है, तो आपके पास एक पॉइंट हो गया वन थ्री, ठीक है, जो यहाँ दिख रहा है आपको। उसके बाद आप x के जगह अगर आप टू डालते हो तो आपके पास y आएगा फाइव, तो पॉइंट हो जाएगा टू फाइव जो कि यहाँ है, ठीक है। x के जगह अगर आप थ्री डालते हो तो थ्री टू जा सिक्स प्लस वन कितना आ रहा है सेवन, तो आपके पास एक पॉइंट हो गया थ्री सेवन, है ना। आप और डालते जाइए, जितने एक्स है सब डालते जाइए, क्या होगा भर जाएगा, ठीक है। देखो ये लाइन एक सब कतार में आ रहे हैं, तो ये पूरी लाइन पूरी हो जाएगी, ठीक है, और आपको मिलेगा क्या, एक सीधा सा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये लाइन आएगा। तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, समझ में। लीनियर फंक्शन कैसा होता है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी टाइप का। क्लास टेंथ में था ना आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो किसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते थे तो क्या आता था, स्ट्रेट लाइन आता था, सीधी आती थी। चलिए ठीक है ना, थोड़ी बहुत बुद्धि आप ग्राफ ड्रॉ करने में लगा सकते हो। पता है कि जब सब एक सीध में आने वाला है तो ज़्यादा पॉइंट्स दिखाने की जरूरत भी नहीं है, दो पॉइंट दिखाओ और फिर मिला दो, क्योंकि सब जब एक ही लाइन पे है और दो पॉइंट से एक ही लाइन पास करती ही है तो लाइन तो समझ में आ ही गया दो पॉइंट देख करके कौन सी लाइन होगी वो, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत स्मार्टनेस दिखा सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं इकट्ठा करके दो ही पॉइंट इकट्ठा करे और उसको मिला दे, सीधी लाइन खींच दे, हो गया ग्राफ ड्रॉ हो गया। चलिए अब इसी में एक लीनियर फंक्शन हम बात करते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का। अब यहां पर देख रहे हो ए की जगह क्या है एम है और बी क्या है जीरो है। वाई इक्वल टू एम एक्स जो है उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे क्या, कि अगर मैं एक्स को डबल करूं तो वाई भी डबल हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू एम एक्स टाइप का अगर कोई फंक्शन है इसमें x को डबल करूं तो y डबल, x को ट्रिपल कर दूं तो y की वैल्यू ट्रिपल आएगी, x की वैल्यू आधी कर दूं तो y की वैल्यू आधी हो जाएगी, मतलब जिस रेशियो में x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा और जिस रेशियो में x घटेगा y भी घटेगा। तो आप यहां पर एक मतलब वर्ड यूज कर सकते हो कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ y x के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब जिस रेशियो में x बढ़ेगा y भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, जिस रेशियो में x घटेगा y भी उसी रेशियो में घटेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें हैं, क्लियर है। तो अगर y x के प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसा होता है, यानी y इक्वल टू एम एक्स टाइप का कुछ हो फंक्शन तो ग्राफ कैसा होता है, 100% स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि लीनियर है, लीनियर है तो कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हाँ यहां खास बात क्या होगी, ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई करता है। आप देखो एक्स के जगह जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। सो आपके कलेक्शन में एक पॉइंट तो होगा ही कौन, जीरो जीरो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी और जीरो जीरो से क्या करेगी, पास करेगी, ठीक है। तो 100% ये आना ही आना है, ठीक है। तो जैसे कि x जीरो डालोगे तो y जीरो आएगा, और x की वैल्यू सपोज मैंने अगर 1 डाल दिया तो y की वैल्यू कुछ m टाइप का आएगा, वो m आएगा, है ना। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, आपके कलेक्शन में एक पॉइंट तो ये दिखेगा ही इस टाइप से, ठीक है, और इसको आप मिला दीजिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा ये लंबाई 1 है और ये लंबाई कितनी है m है, ठीक है।
अच्छा, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूँ तो यहाँ आप नोटिस करोगे कि टैन थीटा की वैल्यू जो है वो आ रही है एम बाई एन। आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में, टैन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, सामने वाला, सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और बगल वाले को बेस बोलते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो एम बाई वन आ रहा है टैन थीटा, और आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, मैं बताऊंगा। अच्छा, आप जानते ही हो, पढ़े ही होंगे कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो एंगल बनाती है, उसको हम लोग, अच्छा मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है, ये आपका एक मिनट वाई है और ये आपका एक्स है, ठीक है, सुधार लिए। तो ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जब एक्स वन तो वाई भी वाई एम है, ठीक है, एक्स वन डालोगे तो वाई की वैल्यू एम आएगी, तो आपका वन एम से तो ये जरूर पास करेगा, ठीक है, जीरो जीरो से पास करेगा ही, पता है लीनियर है तो सब ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, तो फिर ग्राफ आपका सीधा हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने टेन थीटा निकाला तो क्या आया? एम बाई वन एम आया, राइट। तो एम यहाँ टेन थीटा है, और टेन थीटा को हम लोग कहते हैं स्लोप, ठीक है। कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उसके टेन को स्लोप कहा जाता है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप एम है, जो ओरिजिन से पास कर रही है और स्लोप एम है, क्लियर है। स्लोप मतलब टेन थीटा की वैल्यू उसके लिए एम होगी। जैसे वाई इक्वल टू टू एक्स कोई लाइन है, तो वाई इक्वल टू टू एक्स के बारे में क्या कहोगे? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट हैज स्लोप एम। समझ में आ रहा है? क्या बोल सकते हो कि यह एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पहली बात, पास कर रहा है किससे? ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब जीरो जीरो, एंड इसके पास जो स्लोप है, ठीक है, हैविंग स्लोप एम, एम नहीं, एम के जगह पर कितना है, टू लिखा हुआ है ना, द हैविंग स्लोप टू। स्लोप मतलब वो लाइन जो एक्स के साथ एंगल बनाएगा उसका टैन यहाँ पे टू है, क्लियर है। तो खैर, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ हमको इस लाइन के बारे में मिल गई, ठीक है। तो y इक्वल टू टू एक्स, y इक्वल टू थ्री एक्स, समझ गए क्या होगा, कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास करता हुआ आएगा, और स्लोप कितना होगा वो भी जान गए, ठीक है। अगर y इक्वल टू एम एक्स है तो स्लोप m होगा, y इक्वल टू टू एक्स है तो स्लोप टू होगा, y इक्वल टू थ्री एक्स है तो स्लोप थ्री होगा, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है? इस टाइप का, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। पढ़े हो आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी कॉन्स्टेंट है और a जीरो नहीं है, क्लियर है। ए बी सी आपके कैसे हैं? कॉन्स्टेंट और a जीरो नहीं, क्योंकि a जीरो हो जाएगा तब तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा ना। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, हाइएस्ट डिग्री टर्म जो है वो स्क्वायर है वाला है, मतलब टू डिग्री वाला है, तो इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक कहा जा रहा है। अब अगर a जीरो हो जाएगा तब भी वो टर्म ही गायब हो जाएगा, है ना। अब ए सी क्लासरूम, तो क्लासरूम ए सी है, इसका मतलब क्या है भैया? पढ़ाई हो चाहे नहीं हो लेकिन ए सी जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ए सी ही नहीं है तो फिर क्लासरूम को ए सी कह ही नहीं सकते ना। तो वही बात है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। तो क्वाड्रेटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म की डिग्री दो है, ठीक है। अगर वही टर्म गायब हो जाए, जैसे ए जीरो हो जाए तो एक्स स्क्वायर खत्म, क्योंकि ए इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा ना, तो वो टर्म ही गायब हो जाएगा, तो फिर उसको क्वाड्रेटिक क्यों कहेंगे, राइट। अब जैसे उसके एग्जांपल्स के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शन लिखे हैं, जैसे वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, चाहे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो, इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी सी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो बी जीरो हो जाएगा तो एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा, सी जीरो हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, तो उनके जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो सीधा नहीं आता, ठीक है, ये कुछ इस टाइप के शेप का आता है, यू शेप का, ठीक है। वो ओपन अपवर्ड भी हो सकता है, ओपन डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कर्व टाइप का, इस तरह के शेप को बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते हैं? पाराबोला। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, या फिर y इक्वल, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इस फंक्शन को ले लीजिए और इसे ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब
पॉइंट इकट्ठा करना, तो इकट्ठा कीजिए, आप एक्स की वैल्यू इसमें डालते जाइए और वाई की वैल्यू मिलेगी, पॉइंट्स मिलते जाएंगे, दिखाते जाइए। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू मैंने जीरो डाला तो पॉइंट क्या मिला, पॉइंट क्या मिला बताइए, वन मिल गया, तो जीरो वन, राइट। एक्स की वैल्यू जीरो डाला, वाई वन आया, तो पॉइंट हो गया जीरो वन, जो कि आपको यहाँ है, ठीक है, जीरो वन। उस तरह से अगर मैंने एक्स की वैल्यू को इसमें वन डाला, अभी जीरो डाला था ना, तो वाई वन आया था, अब मैं वन डाल रहा हूँ, तो वन का स्क्वायर प्लस वन यानी कितना हो गया, वन का स्क्वायर प्लस वन यानी टू, तो पॉइंट हो गया वन टू। माइनस वन डालोगे तो भी आपका वाई टू ही आएगा, तो फिर एक और पॉइंट हमारे पास हो गया, ठीक है, एक और पॉइंट हो गया माइनस वन टू। वैसे ही वाई की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो, टू डालो, तो टू डालोगे तो क्या आएगा, टू का स्क्वायर प्लस वन यानी क्या आएगा आपका, टू का स्क्वायर प्लस वन यानी आपका आएगा फाइव, तो आपके पास पॉइंट हो जाएंगे टू फाइव। माइनस टू डालोगे तो भी फाइव आएगा, तो माइनस टू फाइव, ठीक है। अब देख लो पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं। उसी तरह से आप एक्स की वैल्यू थ्री डालो, क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस वन यानी थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन कितना हो गया, टेन, तो थ्री टेन आपका यहाँ आ गया। और उसी तरह से आप यहाँ पे माइनस थ्री डालोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, टेन ही आएगा, तो माइनस थ्री टेन आपके पास पॉइंट हो गया। अब आप देखो, देख रहे हो पॉइंट एक सीध में नहीं आ रहे ना, कुछ इस टाइप का कर्व बना रहे है ना। आप जब इनको मिलाओगे, जब क्योंकि सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, जीरो से वन के बीच में कितने सारे नंबर्स हैं, वन से टू के बीच में कितने इन्फिनाइट हैं, सब डालोगे भर जाएगा ये, ठीक है। और आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पॉइंट किस तरह से आ रहे हैं, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, जो आपका कलेक्शन बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, क्लियर है। तो इस टाइप का आपका ग्राफ आ रहा है ना, इसको बोलते हैं पाराबोला, क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है ना वो पाराबोलिक होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना था, वन। वन कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, मतलब यहाँ एक ही जगह जो क्वांटिटी है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसीलिए ये ओपन अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर निगेटिव होता, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस लगा होता, ठीक है, माइनस वन कोफिशिएंट होता एक्स स्क्वायर का, ए की वैल्यू निगेटिव होती, तो फिर आपका ये जो पाराबोला है ना ओपन अपवर्ड नहीं आके ओपन डाउनवर्ड, मतलब इस टाइप का आता, ठीक है। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है, तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई फंक्शन हो और वहाँ a पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा हो, ठीक है, समझ में आना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो से बड़ा हो, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, मतलब जो पाराबोला होता है वो ओपन अपवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पाराबोला इज ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ है। लेकिन वही अगर ए जीरो से छोटा हो जाए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आपका नेगेटिव हो, तो उस केस में जो आपका पाराबोला आएगा वो ओपन डाउनवर्ड होगा, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है ना, इसमें a जीरो नहीं है, bc जीरो हो गया, जो ठीक है। लेकिन यहाँ एक खास बात पता है क्या है, आप x की वैल्यू को, x की वैल्यू को डबल करोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू फोर टाइम्स हो जाएगी, x की वैल्यू को आप ट्रिपल कर दो, थ्री कर दो, तो y थ्री टाइम्स कर दो सॉरी, तो y की वैल्यू जो आ रही थी पहले वो अब नाइन टाइम्स आएगी, नाइन टाइम्स ग्रेटर आएगी, समझ में आना, मतलब एक्स की वैल्यू को जिस हिसाब से चेंज करोगे वाई की वैल्यू उसके स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगी, है ना। एक्स की वैल्यू को आप आधा करो तो वाई की वैल्यू वन बाई फोर हो जाएगी, एक्स की वैल्यू को वन बाई थ्री करो तो वाई की वैल्यू वन बाई नाइन हो जाएगी, एक्स की वैल्यू को फाइव टाइम्स कर दो तो वाई की वैल्यू 25 टाइम्स हो जाएगी, स्क्वायर के हिसाब से चेंज करेगी नहीं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं कि y प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के, ठीक है, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, आप ऐसा बोल सकते हो,
ठीक है, कि स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहां जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अगेन आएगा तो पैराबोला ही, लेकिन खास बात क्या है, खास बात क्या होगी, ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, है ना। देखो जिस चीज में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है ना, मतलब अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो पक्का वो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा, ठीक है। एक्स के जगह जीरो डालोगे, वाई जीरो, तो जीरो जीरो आ रहा है ना, तो कलेक्शन में जीरो जीरो तो दिखेगा, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का नजर आएगा, ठीक है। अगर आप पूरा ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का होगा, है ना। लेकिन अगर आप आधे हिस्से को ही देखोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हम सिर्फ आधे हिस्से को ही देखें, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का नजर आएगा। अमूमन फिजिक्स में देखो क्या होगा, मान लो हम टाइम और स्पीड के बीच ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो टाइम थोड़ी निगेटिव होगा जी, ठीक है, टाइम तो निगेटिव होगा नहीं, तो हमारे इनपुट में निगेटिव टाइम वाले पॉइंट्स तो होंगे नहीं, समझ में आया ना। तो हम जो भी पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे वो इसी साइड इकट्ठा करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा, क्लियर है आपको, ये नज़र आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अच्छी बात है, अब थोड़ा सा हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, ओके। चलिए हम बात कर रहे थे एक मिनट, चलिए तो हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जरा इस पर विचार कीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस टाइप के रिलेशन पर, ठीक है। अगर आप इसमें इसके हिसाब से पॉइंट इकट्ठा करोगे, एक्स की वैल्यू डालोगे फिर वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसके हिसाब से पॉइंट इकट्ठा करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। जस्ट आप उल्टा सोच लो ना, अगर थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लो कि एक्स मेरा आउटपुट है, वाई मेरा इनपुट है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप पॉइंट इकट्ठा करना शुरू कर दो, ठीक है, तो पैराबोला ही आता है ना, ओरिजिन से पास करते हो आप अपने इस ग्राफ को पलट के देख सकते हो, ठीक है, जो ऐसे था वो अब ऐसे हो गया, राइट, समझ में आ रहा है ना, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ये फंक्शन नहीं कहेंगे इसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट एक्स। मैंने कहा था ना फंक्शन का मतलब होता है जो यूनिक आउटपुट देता हो, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप एक्स की एक वैल्यू डालोगे आपको वाई की दो वैल्यू आएगी, तो आउटपुट यूनिक नहीं है, है ना। लेकिन इसको हम दो फंक्शन में बांट सकते हैं, ठीक है, अलग अलग, ये अलग ये फंक्शन है, ये फंक्शन, लेकिन जो आप मिक्स कर दिए ना तो वो फंक्शन नहीं है। तो वाई इक्वल टू आपका एक रूट एक्स, वाई इक्वल टू आपका एक माइनस रूट एक्स, ठीक है। आप इस ग्राफ को देखो ध्यान से, इसमें जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू रूट एक्स को, ठीक है, इस ये वाले सारे पॉइंट इकट्ठा करोगे यही आएगा। और जो दूसरा वाला जो आपका जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू माइनस रूट एक्स को, क्लियर है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन का ये एक साथ कंबाइंड ग्राफ है। कंबाइन होने पर ये फंक्शन ही नहीं रहा, क्योंकि एक इनपुट एक कॉरस्पॉन्डिंग दो दो आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है, पर इंडिविजुअली हम बात कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ के केवल इसी हिस्से को कंसीडर करें तो फिर ये किस तरह के फंक्शन का ग्राफ है आप समझ सकते हो, ये जो ग्राफ दिख रहा है किस तरह के फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल टू रूट एक्स, क्लियर है। तो y इक्वल टू रूट एक्स टाइप का जो फंक्शन है उसका ग्राफ है। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये यहाँ पर जो y है ना वो x के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, y इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब अगर x को हम चार गुना करेंगे तो y में सिर्फ दो गुने का परिवर्तन होगा, x को हम नौ गुना करेंगे तो y में सिर्फ तीन गुने का परिवर्तन होगा, मतलब x जिस हिसाब से चेंज होगा y उसके स्क्वायर रूट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का ग्राफ दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां पे y x के स्क्वायर रूट के हिसाब से चेंज हो रहा है, क्लियर है। चलिए अच्छा, y इक्वल टू वन बाई एक्स, इस टाइप का आप ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, है ना, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, अगर x की जगह पर आप 1 डालते हो,
तो फिर y की वैल्यू भी 1 ही आएगी, x की जगह 1 डाल रहे हो तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी, तो आपके पास ये पॉइंट होगा 1 1, है ना। x के जगह पर अगर आप 2 डालते हो तो आपके पास पॉइंट आएगा 1/2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर x के जगह पर 3 डालते हो तो पॉइंट हो जाएगा 1/3, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 2 डालेंगे तो 1/2 और 3 डालेंगे तो 1/3, ठीक है। आप x के जगह पर यहां पर 1/2 डालो तो फिर 2 आएगा, तो 1/2 2, 1/3 डालोगे तो 3 आएगा, तो 1/3 3, तो इस तरह से करके आपके पास पॉइंट आएंगे। अब जब इकट्ठा करोगे तो पता है ग्राफ कुछ किस टाइप का बनेगा, अब बना के देखना, ठीक है, आपको यहां से आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, क्लियर है। मतलब y इक्वल टू 1/x, आप कुछ गुना कर दोगे किसी नंबर से m से, तो ऐसा नहीं कि कुछ खास फर्क पड़ेगा, सेप लगभग वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, है ना, लेकिन सेप लगभग जो ऑलमोस्ट है वो यही होगा। जैसे आदमी तो आदमी की तरह ही दिखता है ना, अब चार आदमी को खड़ा सब आदमी की तरह ही दिखेगा, थोड़ी बहुत शक्लें अलग अलग होगी, पर ये तो नहीं कि एक बंदर की तरह दिख रहा है, एक भालू की तरह दिख रहा है, चारों आदमी है आदमी की तरह ही दिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ग्राफ कुछ इस टाइप का ही नजर आएगा। इस टाइप के फिगर को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है, क्या बोलते हैं बताइए, हाइपरबोला। तो ग्राफ हाइपरबोलिक होगा, तो हाइपरबोलिक का मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है ये वाई, वो इस एक्स के इन्वर्सली चल रहा है, इन्वर्सली मतलब उल्टा, एक्स को डबल करो वाई आधा हो जाएगा। इससे पहले क्या होता, प्रोपोर्शनल वाली बात थी, बढ़ने पर बढ़ रहा था, घटने पर घट रहा था, पर अब यहां उल्टा हो रहा है, एक बढ़ाओगे दूसरा घट ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्स को अगर आप डबल कर दोगे तो वाई आधा हो जाएगा, एक्स को 5 गुना कर दोगे तो वाई 5 भग्गा हो जाएगा, एक्स को 5 भग्गा करोगे तो वाई 5 गुना हो जाएगा, उल्टी कहानी हो जा रही है, समझ में ना, एक्स बढ़ा रहे हैं वाई घट रहा है, एक्स घटा रहे हैं वाई बढ़ रहा है। तो यहाँ इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटीज यहाँ पर बोलते हैं कि वाई एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आप लिख सकते हो कि वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है वाई प्रोपोर्शनल 1/x। तो उसका ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोलिक। ठीक है, अब इतनी सारी बातें इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, चलिए तो आप कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। यहाँ स्पीड टाइम के बीच मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, और ग्राफ देखिए कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, है ना, लेकिन हाँ ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि स्पीड टाइम का में एक लीनियर फंक्शन है, मतलब ये तो गारंटी कर सकते लीनियर फंक्शन है, पर ये नहीं कहोगे कि प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि सेकेंड ग्राफ में दिख रहा है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, पर यहाँ आप कह सकते हो कि स्पीड, ठीक है, टाइम पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है, मतलब स्पीड इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, आप ये बोल सकते हो कि स्पीड इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, ये लिख सकते हो, चाहे स्पीड टाइम के हिसाब से लीनियरली चेंज कर रहा है, क्लियर है। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा हो तो फिर हम बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ओके। सेकेंड ग्राफ आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ देखिए कैसा आ रहा है, पैराबोलिक ना, आधा ड्रॉ किया होगा, दूसरा हिस्सा आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ठीक है, दूसरा हिस्सा कैसा होता बताइए, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से आता, तो पूरा कंप्लीट पैराबोला होता, लेकिन चूंकि टाइम नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना, तो उस साइड तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं, तो ऐसा आएगा, तो ये असल में पैराबोलिक ग्राफ है। तो इस ग्राफ को आप देख के बोल सकते हो कि स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के हिसाब से, अगर ये पैराबोलिक है, ठीक है, तो क्लियर है, पैराबोलिक अगर है, पैराबोला ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पीड टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये वाला ये भी पैराबोला ही है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे चेंजेस हैं, लेटा हुआ टाइप का है, तो याद आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ क्या कह सकते हैं कि स्पीड प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर रूट के, ठीक है, स्क्वायर रूट होगा तो फिर इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो ग्राफ ऐसा, स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल तो फिर ग्राफ ऐसा, क्लियर है।
समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। अच्छा अब बताइए ये वाला, ये हाइपरबोलिक है ना, तो हाइपरबोलिक में एक समझ गए, यहाँ की देखिए क्या बोल सकते हो कि स्पीड टाइम के इन्वर्सली चल रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड घट रहा है। और यहाँ आप क्या कह सकते हो, यहाँ स्ट्रेट लाइन तो है पर स्लोप जीरो, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सर टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम कोऑर्डिनेट, अब अलग अलग पॉइंट्स की हम बात करें तो सबका टाइम कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, पर जो स्पीड कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, हर टाइम में सेम ही स्पीड आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ स्पीड कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर ग्राफ पैरेलल हो जाए, वाई और एक्स के बीच ही ग्राफ ड्रॉ करें और वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, इसका मतलब एक्स बदल रहा है पर वाई नहीं चेंज हो रहा है, तो वाई कॉन्स्टेंट हो गया, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो यहाँ स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है पर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर जो स्पीड है दिस इज कांस्टेंट, है ना, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्लियर है। तो ग्राफ देख के देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है या नहीं, है ना। तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैथ फिजिक्स की बातें करेंगे, मैथ्स की बात नहीं करेंगे, मैथ्स पहले से समझा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तब फिजिक्स पढ़ने का मजा है, क्लियर है। चलिए तो फटाफट, आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसकी एक उसकी पीडीएफ कॉपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ एंडॉक ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन्स शुरू हैं, क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं, आप सबको पढ़ना है तो फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ओके। तब तक के लिए